मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माली हालत से जूझ रही नगर निगम ने बेफिजूल खर्ची पर रोक लगाते हुए आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। निगम वर्कशॉप की पहल पर शहर की सड़कों की सफाई करने वाली 3 आधुनिक मशीनों को खरीदा जा रहा है। इन मशीनों की कीमत मेंटेनेंस मिलाकर 2.5 करोड़ के आसपास इसमें खर्च होगा, जबकि भोपाल स्मार्ट सिटी ने 3 साल पहले इन मशीनों को किराए पर लिया था। इसका टेंडर 5 साल के लिए हुआ था, जिसके लिए करीब 30 करोड़ का भुगतान करना था। इसमें मशीनों का रखरखाव, कर्मचारी और डीजल का खर्च भी शामिल था, लेकिन अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से निगम इन मशीनों को किराए पर चलाने के बजाय खुद खरीद रहा है, जिससे नगर निगम को हर साल 6 करोड़ रुपए की बचत होगी। मतलब किराए पर लेकर मैंने स्मार्ट सिटी माध्यम से मतलब स्वीपिंग मशीन उपयोग करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से हमको जो राशि मिला है उसमें हम लोग मतलब 3 मशीन खरीदने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तो मान लीजिए उसमें रेट आना है, तो आने के बाद उसके बारे में बताना उचित रहेगा। अभी वर्तमान में तो काफी अधिक किराया दिया जाता है, तो डायरेक्टली खरीदने के बाद उसमें किराए की बचत हो जाएगी।